लेट्स गो टू पुनीता। हेलो, नमस्ते. नमस्ते बेटे। थैंक यू सो मच. वेलकम। वो मुझे कुछ पूछना था. मतलब एक जो ख्याल है ना, वो रिपीटेडली चालू रहता है. मतलब पहले से ये बहुत इंप्रेशन अंदर रहता है ना, आनंद भाई मां और रमन महर्षि के लिए. तो जब भी सुनाई दे रहा है अच्छे से. हाँ, मुझे हेलो. सुनाई दे रहा। मतलब जब भी, हाँ जी, जब भी व्यवहार में होते हैं ना, मतलब डे टू डे लाइफ में, तो कभी किसी से द्वेष वाला व्यवहार हो जाता है, तो मतलब एक अंदर से चालू रहता है कि जैसे आनंदमयी माँ रमण महर्षि का कैसा था अनासक्ति और अपरिच्छिन्नता, तो वो तो हम में नहीं आ रही है. तो मतलब क्या फर्क आ रहा है? हाँ, ये मालूम रहता है कि ये विचार भी जो है, ये व्यवहार भी जो भी है, वो हो रहा है अपने आप. मतलब ये शुद्ध जो ज्ञान है, अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, उसकी सतह पर वो स्फुर रहा है और पास हो रहा है. बिल्कुल तो मतलब ये सब भी देखा जा रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये पर्सन टू प्रेजेंस, प्रेजेंस टू पर्सन जो स्विच ओवर होता है ना, उस टाइम पे ये होता है कि बहुत सी बार हम कुछ मतलब मान लो आधा घंटे के लिए, घंटे के लिए स्विच ओवर हो गया, तो उस टाइम पे फिर ये होता है कि ये ड्यूअलिटी आ जाती है. तो तभी द्वेष आ जाता है. तो वहां तो सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लग रहा है हमको ड्यूअलिटी जैसा. तो ये एकदम पता है अंदर से, जैसे ही कुछ टाइम निकल जाता है, फिर अंदर से एकदम वापस आता है कि ये मिक्स हो गया था, ये लग रहा था ऐसा, लेकिन वो खाली पास हो रहा है. मतलब चैतन्य की सतह पर आ रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, पास हो रहा है ऐसा. पर फिर भी पता नहीं, बार बार यही आ रहा है कि भाई अभी इतना अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस नहीं आ रहा है कि अपरिचिन्नता, मतलब में हम लोग जगे, ऐसा परिचिन्नता आ ही जाती है वापस. यानी में भी व्यवहार के टाइम पे उनको भी ये होता है, क्योंकि हाँ, ये हमें और उसमें इतना फर्क होता है कि भाई हमको ये रियल लगता है कि हम मिक्स हो गए हैं, ड्यूअलिटी भास रही है ऐसा, लेकिन उनको मतलब वो रियल नहीं लगता है. उनको लगता है कि ठीक, अंतःकरण का है, वो कंप्लीट हो रहा है, बात खत्म. तो उनको अच्छे के लिए, राग के लिए भी कुछ नहीं अंदर हो रहा है, द्वेष के लिए भी कुछ नहीं हो रहा है, पास हो रहा है, और हम उसमें चिपक जाते हैं कभी कभी ऐसा. तो ये कैसे निकाले? ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो अगर आप हर एक एक्सप्रेशन देखोगे ना, ये मास्टर्स का, सेजेस का, हर एक का एक्सप्रेशन अलग है ना। हर एक का, जैसे महाराज ने किसी को बोला, तुम निकल जाओ, तुमसे नहीं होगा ये, है ना। तो उनका कोई नया कोई आके उनका बिहेवियर देखेगा तो बोलेगा, ये कैसा, वो कैसे एनलाइटन है, इनका तो बिहेवियर इतना खराब है, इनको तो इतना गुस्सा आ रहा है ना। तो अपने जैसे ये बॉडी चल रही है, उसका जजमेंट आपका माइंड करेगा और आपको बोलेगा कि आपका बिहेवियर फ्रीडम की तरफ नहीं जा रहा। तो अगर आपका माइंड आपका साथी है स्पिरिचुअल जर्नी में, तो वो आपको सच बताएगा जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। पर यहाँ तो आप माइंड से ही फ्री होना चाह रहे हैं ना, तो माइंड आपको सच नहीं बताएगा, वो तो आपको दूसरी दूसरी जगह भेज देगा ना, कि चोर वहां नहीं है, चोर आपका बिहेवियर में है, चोर मैं नहीं हूं, है ना। तो मैं ये एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे पुलिस वाला चोर को पकड़ने वाला है, तो वो चोर क्या करता है, वो कुछ पत्थर वत्थर उठा के दूसरी तरफ फेंक देगा, वो वहां से आवाज आएगी, वो पुलिस वाला वहां चला जाए। तो अभी ये हो रहा है आपके साथ कि आप सोच रहे हो कि आपको अपने बिहेवियर में देख के ये तुलना कर लोगे आप आनंदमयी माँ से या रमन महर्षि से, कि मेरा वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा,
आपका माइंड, मतलब एक माइंड कंपैरिजन चालू रखता है ऐसा। माइंड आपको ट्रिक कर रहा है, जिससे वो आप उसको ना देखो वो कैसा कर रहा है, आप अपने बिहेवियर को स्टार्ट करो देखना, फिर वो कंपैरिजन करो, फिर जजमेंट करो अपना कि मेरा इतना हुआ है सर प्रोग्रेस, उनका वैसा होता होगा, ये सब माइंड में ही है ना, ना? हाँ, ये खेल तो माइंड का ही है। बिल्कुल। तो मैं बोल रहा हूं कि आप अपने एक्सटर्नल बिहेवियर को बिल्कुल बॉदर मत करो कुछ टाइम के लिए, हाँ? कुछ बॉदर मत करो एक्सटर्नल बिहेवियर को, उसको बिल्कुल जज मत करो, बॉदर मत करो मतलब जज मत करो कि ये अच्छा है बुरा है, एक्सटर्नल बिहेवियर को आप अंदर से खुला रहो, बस अंदर से बिल्कुल ओपन। अब वो अंदर से ओपन में बाहर कैसे हो रहा है उसकी चिंता आप मत करो, आपके फैमिली वाले बोलेंगे आपके सत्संग का कोई फायदा नहीं है, देखो आपको कितना गुस्सा आ रहा है, कुछ बाधा मत करो आप उसका क्योंकि पब्लिक का काम है ये सब बोलना, जब हम अपना माइंड यहां से नहीं सुनते तो उनके मुंह से सुन लेते हैं कई बार, तो आप उसका वो भी मत सुनो जो भी फ्रेंड्स फैमिली जो भी बोल रहे हैं उनका भी मत सुनो, अपने एक्सटर्नल बिहेवियर को आप बस छोड़ दो, गुरुजी के हाथ में छोड़ दो, किसी भी मास्टर के, जिसको भी आपको डिवोशन हो, छोड़ दो, ये एक्सटर्नल आपके प्रॉब्लम है गुरु जी, आप देखो मैं इनवर्डली मैं एम्प्टी रहूंगी, इनवर्डली मैं ओपन। ये समझ में आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि... एक मिनट, सो अगर आपका समझ से मतलब माइंड है तो समझ में मत आइए नहीं, वो वाला नहीं, मतलब जैसे मान लो कि हम मिक्स प्रेजेंस और पर्सन, मतलब पर्सनालिटी में आ गए हम लोग, तो उस टाइम पे हो गया, और पर जितने टाइम मिक्स हुआ ना ये, फिर उसके बाद में ये टाइम चला गया, उसके बाद में तो आता है कि भाई ये हम नहीं है, तो ये एकदम अंदर से एकदम ठोस है कि भाई हम है नहीं है, फिर भी जो बिहेवियर हो जाता है ना, मिक्स हो जाता है, तब भी बहुत ट्रबल होता है। कि इनसाइड बिल्कुल ठोस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पर जो आपका माइंड आपको थोड़ा घुमा रहा है ये सब बोल के, वो सब आप सुनना बंद कर दीजिए कि ये मिक्स हो जाता है, वो सब भी आपको माइंड ही बता रहा है ना, तो ये याद रखिए कि आपका माइंड कभी आपको ऐसा कुछ बताएगा, ये ठीक है। अब आ रही आवाज, अब आ रही है आवाज, हाँ, अभी क्लियर आ रही। तो आपका माइंड इस जर्नी में आपका साथी नहीं है, तो वो आपको क्यों सच बताएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है ना, तो अगर आप उसकी सुनेंगे वो माइंड तो बोलेगा आपकी ये प्रॉब्लम है ये मिक्सिंग हो रहा है वो हो रहा है, तो तभी मैं पिछले वाले को भी ये पूछ रहा था कि हाउ डू यू नो कि आपको कैसे राइट। पता है ये चीज, है ना, अगर आपका माइंड ही आपको बता रहा है तो माइंड तो कभी ऐसा नहीं बताएगा जिससे उसका वास खत्म हो जाए ना घर में राइट। तो वो तो वही बताएगा जिससे उसका वास चलता रहे हमेशा के लिए, है ना। नहीं तो यहाँ पर खाली ये समझना काफी है कि भाई ओके, हमने समझ लिया कि माइंड में हो रहा है और पास ऑन हो रहा है, ऐसे बस इतना समझना काफी है। हाँ, जिससे जो भी आप समझ जाओ, जिससे आपको आगे समझ में जाने की जरूरत ना पड़े वो काफी, अगर ये समझना काफी है कि मुझे समझ नहीं आएगा अपनी समझ में पर अपने दिल में आएगा ना, वो अगर उतना है आवाज तो आवाज मैं रिपीट करता हूँ, तो अगर जो भी समझ में आ सके जिसके आगे हम समझ में और फिर ना जाएं उतनी समझ काफी है, तो अगर ये समझ में आता है कि समझ में सच्चाई नहीं आ सकती सिर्फ दिल में आ सकती है, तो उस समझ को लेकर हम चलें तो उतना भी काफी है, तो ऐसा एक समझ लेना है जिससे समझ का फुल स्टॉप हो जाए, नहीं तो वो समझ के चक्कर में चल। नहीं, पर ऐसा मतलब समझो, आपको या जो भी ज्ञानी है उनको उनको भी ऐसा व्यवहार में होता है क्या कि मतलब ऐसा रहे कि शुद्ध ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स भी दिख रहे हैं हमको वो भी ज्ञानी है, ठोस लेवल पे कुछ है ही नहीं ऐसा, तो वो अंदर से ये समझ में मतलब पक्का रहता है, लेकिन फिर भी
व्यवहार में आते हैं तो ऐसा सबको होता है क्या? जो आपका प्योर परसेप्शन है, प्योर परसेप्शन आप समझ गए, प्योर परसेप्शन का मतलब जो अनमिक्स्ड, जो ये दुनिया दिख रही है लेबल के बिना, दुनिया दिखती है, ये लेबल नहीं आता कि मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, ये सब लेबल साथ में नहीं आते, सिर्फ दिखता है ना। वो डिफरेंस हमारा सिर्फ आता है कि ये अलग है, ये मैं हूं, ये वो तुम हो, है ना। ये तो लेबल मन से आते हैं, देखने में नहीं आते। आपके देखने में ऐसा नहीं लगता कि मैं इस हाथ के अंदर हूं और उस हाथ के अंदर नहीं हूं, ऐसा कुछ डिफरेंस एक्चुअल देखने में आता नहीं है। तो ये जो नहीं सब ज्ञानी हैं, उनको सिर्फ, वो सिर्फ जो दिख रहा है वो देखते हैं, उसको इंटरप्रेट नहीं करते ना, उनको लेबल नहीं लगाते कि ये है, ये मैं हूं, ये तुम हो, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, मुझे तुम्हें। अगर आप ये भी बोलोगे कि हम सब चीजों को देखें और कोई डिफरेंस नजर ना आए, वो भी सिर्फ वो माइंड का प्रोजेक्ट हो गया ना, क्योंकि आपको देखने में डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है एक्चुअली, आप उसको जैसे इंटरप्रेट कर रहे हो मन में, उसमें डिफरेंस आता है सर, है ना। जैसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी वहां एक पुनीता का चेहरा हिलता हुआ देख रहा होगा और यहाँ एक अनंता का मुंह हिलता हुआ दिख रहा होगा, तो अगर माइंड को आप बीच में मत लाओ तो बताओ आप कौन हो, मैं कौन, है ना। दोनों हेड अगर हिल रहे हैं तो बताओ डिफरेंस क्या है, आपका, आप किस में हो, मैं किस में हूँ, नहीं बता सकते। नहीं बता सकते उसमें। प्योर अवेयरनेस के लेवल पे जाए ना तो कुछ अलग है ही नहीं। प्योर अवेयरनेस के अलावा और कुछ है ही नहीं ऐसा। प्योर अवेयरनेस के आगे प्योर परसेप्शन में भी एक डिफरेंस नहीं आता, डिफरेंस सिर्फ एक बार लेबलिंग, इंटरप्रिटेशन, जजमेंट स्टार्ट हुआ उसमें आएगा, है ना। तभी तो भगवान, आनंद महिमा, सब जो सेजेस थे, वो भी लाइक भगवान को आपने देखा होगा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आनंद महिमा सबकी तरफ बोले तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो, है ना। तो ये सब एक्सप्रेशन आउटवर्डली आ जाता है, पर प्योर परसेप्शन में कुछ डिफरेंस दिखता नहीं है, वो एक्सपीरियंस आपका भी सेम ही है। तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि हमारा परसेप्शन में कुछ चेंज हो जाएगा, हम तो परसेप्शन से मिल ही नहीं रहे फुली ना, हम तो आधा अपने सिर में बैठे हैं। तो पहले परसेप्शन के साथ फुली रहेंगे तब प्योर अवेयरनेस जाती थोड़ी है। अगर आप ओपन एंड एम्प्टी हो अभी सिर्फ प्योर परसेप्शन में, तो ये क्लियर है ना कि परसेप्शन के अलावा भी कुछ है, क्लियर क्लियर। है ना। तो वही तो अवेयरनेस है ना, प्योर अवेयरनेस। सो जब आप ओपन एंड एम्प्टी रहोगे तब आपको निर्गुण भी क्लियर है और जो सगुण है वो भी क्लियर है। हाँ मतलब ये ऐसा होता है कि जैसे प्योर अवेयरनेस कांस्टेंट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन जब प्योर अवेयरनेस से थोड़ा नीचे आते हैं ना तो ही लफड़ा होता है, नहीं, तभी लफड़ा होता है। और नहीं आ ही नहीं सकते ना, वो सिर्फ मन में, मन बताता है कि आ गए हम या ये हो गया। तो जब हम मन की सुनते हैं तभी ऐसा लगता है जैसे वो हो गया हो, उसी को तो माया कहते हैं ना कि इट सीम्स लाइक, ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया हो, तो वो सीम्स लाइक ही तो माया है। तो वो हम माया के जाल में तभी पड़ सकते हैं जब मन की सुने। तो अपने मन के पास मत जाइए ये सुनने के लिए मेरे को क्या ठीक करना है अभी, क्योंकि वो सच नहीं बताएगा आपको, उसे तो रहना है ना। तो मतलब व्यवहार को व्यवहार के तौर पे चलने दें, अपने आप जो हो रहा है होने दें, बिल्कुल, और अपने को जो अंदर से क्लियर है हम उसके साथ में रहें, चाहे बिल्कुल, माइंड कुछ बता रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बोल तो रहा हमको डरने की जरूरत नहीं, माइंड जो भी बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। है। नमस्ते। ठीक, नमस्ते।